सीटी चुनाव निशान लेकर बहुजन महापार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद शफीक ने ठोकी ताल। सिद्धार्थनगर जनपद के लोकसभा सीट डुमरियागंज में जहां चुनावी सरगर्मी तेज है, वहीं बहुजन महापार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मोहम्मद शफीक को डुमरियागंज संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतारा है। नामांकन के पांचवें दिन अपने समर्थकों के साथ बहुजन महापार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद शफीक ने आज अपना नामांकन किया। बताते चलें कि सिद्धार्थनगर के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जहां बसपा प्रत्याशी का पहला नामांकन किया गया, वहीं दूसरा नामांकन डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से मोहम्मद शफीक ने पर्चा दाखिल कर सरगर्मी तेज कर दी है। पर्चा दाखिल करने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर का विकास ही मेरा चुनावी मुद्दा होगा। मैं डुमरियागंज को सिद्धार्थनगर जो है हमारा बहुत पिछड़ा इलाका है, और जिस दिन हम सांसद बने अपने ज़िले का, सबसे पहले बिजली, पानी, स्कूल और बहुत सारी सुविधा हम देना चाहते हैं, क्योंकि लगभग जब से हम लोग होश संभाले हैं ऐसा कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। हर कोई पार्टी आई लेकिन आज तक कोई विकास करके यहाँ से नहीं गई, और हम बहुजन महापार्टी से मोहम्मद शफीक प्रत्याशी हैं, और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे निकलने के बाद, मेरी सीट निकलने के बाद, मैं सिद्धार्थनगर ज़िले में बहुत सारा विकास करना चाहता हूँ। पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ उन्होंने विकास किया है तो वो खुद खड़े होकर दिखा दें। एक रोड बनने के लिए 5 साल अभी तक नहीं बन पाया है, जो हमारे सिद्धार्थनगर जिला से लेकर ककरावा तक गया है, और 5 साल पूरे हो गए हैं। लोगों की कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और कितने एक्सीडेंट हुए जिसमें 2-4 मृत्यु भी हो गई है। ना कोई बिजली का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, ना कोई स्कूल का व्यवस्था है। अब वो कैसे ये बात कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है। अब उनको जो है, अब ये निर्वाचन जो है देखें, मतलब उसमें क्या है, आचार संहिता वाले खुद देखें, हम लोग तो उसमें इतना कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते उनका, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आचार संहिता में वो कोई काम करवाएं या सोलर लाइट बंटवाएं। जिले के लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले प्रत्याशी में जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी से हैं। वहीं आज आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पर्चा खरीदा। पुनवासी निर्दल, राजेश सिंह निर्दल, अजय कुमार पांडे निर्दल, धर्म प्रकाश तिवारी निर्दल, अनिल कुमार कांग्रेस, अनिल कुमार सिंह कांग्रेस, मुकेश कुमार चौबे, इस प्रकार कांग्रेस के दावेदार होकर कुल 8 पर्चे खरीदे गए। खबर जगत 24 न्यूज, जनपद सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।